अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भाई हमारा सैटरडे का दिन है और आज हम काम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं तुर्कू और घूमने फिरने जा रहे हैं। इट्स अ बॉयज़ ट्रिप, मैं असद और उसामा। और क्योंकि हमारा मौसम बहुत अच्छा हो गया है, 10 डिग्री पे आ गया है, हम लोग 7, 10, 8 डिग्री 9 डिग्री पे चल रहे हैं और धूप भी बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो रहा है। तो हमने सोचा चलो चलते हैं थोड़ी देर, ज़रा एक ट्रिप मार के आते हैं वहीं पे, थोड़ा सा अफ्तार शायद हमारा वहीं पे ही हो जाए और एक ट्रिप भी हो जाएगा। तो बस निकलते हैं अभी इंशाल्लाह। असद मुझे लेने आएगा, मैं जब तक नहाता हूँ तैयार होता हूँ, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, साथ साथ आपके सवाल के जवाब भी देते रहेंगे जो जो आते रहेंगे हमारे पास। तो मैं तैयार हो जाता, फिर मिलते हैं। अच्छा भाइयों, तो मैं तो हो गया तैयार और असद भाई खड़े हुए हैं बाहर, वेट कर रहे हैं। जल्दी जाएँ, सबसे पहले कि असद भाई तब जाएँ और हम चलें इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आपसे। क्या कोई खूबसूरत सनी डे हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे सूरज, आज गर्मी वाला लग रहा है, मतलब आज सूरज की जो तपिश भी हमें महसूस हो रही है। असद भाई आ गए हैं हमें लेने के लिए और आज कपड़े भी मतलब देखें, टी शर्ट में घूम रहा है लौंडा यार, पीछे जैकेट डाल के, मतलब VIP मॉल हुआ है यहाँ पे। तो हम घर से निकल गए थे, चश्मा भूल गए हमारा, सन ग्लासेस की ज़रूरत पड़ गई हमें। तो हमारा सफ़र लंबा है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, तो हमने सोचा कि दोबारा जाके पहले चश्मा ले लेते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच गए उसामा भाई को लेने के लिए। उसामा भाई का घर है और उसामा भाई के ये हैं गुरु भाई हमारे। गुरु भाई हाथ हिला दें आप। एक गुरु भाई जो हैं उसामा भाई के रूममेट हैं इंडिया से, और उसामा भाई आ रहे हैं अभी, तो फिर हम लोग भी चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा सफ़र पूरा होगा अभी। हम लोगों का अफ्तार कहाँ खुलेगा? हमारा अफ्तार भी आज शायद रास्ते में खुल जाए, शायद वहाँ पहुँच के खुल जाए, इंशाल्लाह वहीं खुलेगा। तो वहाँ से भी निकलते हैं, खजूरें रखी हैं। हाँ, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं इंशाल्लाह, फिर तुर्कू पहुँच के आपको ज़रा सीन्स दिखाएंगे। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार मौसम है, हमें हम लोग टी शर्ट्स और शर्ट्स में घूम रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है ना, मतलब कि यार बंदे टी शर्ट में घूम रहे हैं फिनलैंड में। उसामा साहब आ गए हैं, तुम बैग क्यों लेके आए हो? क्या इसका डाटा केबल है और वो अलग-अलग? ओके 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 ओके, चलो चले। उनका अलग व्लॉग चल रहा है जिरगा का, उसामा भाई का व्लॉग जिरगा पे जरूर देखें। और हमारा सफ़र जारी और सारी, और इतने खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं ना, जब से ये बर्फ हटी है ना, ये देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। बर्फ़ है अभी थोड़ी थोड़ी थी, बट आज मुझे लगता है ये जिस तरह की सूरज निकला हुआ है उस तरह से आज ये ख़त्म हो जाएगी सारी। यार ये टनल चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त टनल है ये, और काफ़ी लंबी टनल है। खुद ब खुद मेरा नाइट मोड ऑन हो गया है वैसे, बड़ी प्यारी टनल है भैया। अचानक चलते चलते हमारा मौसम में तब्दीली, और ये देखें धुंध एकदम से, कितनी धुंध हो गई है। और बेचारा वो सूरज देखो, सूरज ऊपर कितना डल हो गया है, वो चांद लग रहा है वो बिल्कुल ना यार। ये है फिनलैंड का मौसम। ये क्या हो गया असद भाई, ये क्या हुआ है? तुर्कू में आ गया ना, दूसरे शहर में आ गया ना बस। भाई इतना चेंज है कि तुर्कू में घुसते ही मतलब इतनी धुंध हो जाएगी। ये चेक करें हम बेटा, जिरगा जिरगा भी है भाई। हम दोबारा से अपने वही पुराने वाले वेदर पे आ गए हैं, और ये समझ नहीं आया, फिनलैंड के वेदर ने हमारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था बिल्कुल बीच में, और अब दोबारा से ऐसे ही हो गया। वो सूरज भी आ गया और धुंध भी चली गई। ये हम तुर्कू में पहुंच चुके हैं, तुर्कू का पहला मॉल हमारे सामने है, और असद भाई थक गए हैं क्योंकि असद भाई ने बहुत लंबी ड्राइव की, तकरीबन 2-2.5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त हसीन मनाजिर देखते हुए आखिरकार हम तुर्कू में पहुंच गए हैं, और अब देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं तुर्कू को। भाई ये तुर्कू में हम लोग पहुंच चुके हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको, बड़ा शांत और ख़ूबसूरत सा शहर है, और इसका सबसे पहली हमारी डेस्टिनेशन थी कुपित्ता पार्क करके, यहाँ पे पार्क है बड़ा अच्छा। ये देखें आप यहाँ पे, ये छोटे से बच्चों के लिए पूरी मतलब बड़ी प्यारी, मतलब छोटी सी कार्स के लिए पूरा ट्रैक और पूरा एक शहर का सिस्टम इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है, जिसमें इवन बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स भी बनाए हैं ताकि वो चीज़ों को सीख सकें,
ये देखें ना बच्चे, ये देखें पूरा ट्रैफिक सिग्नल है, गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, ये सब इतना खूबसूरत सा लग रहा है। ये चलते भी, हाँ ये चलते हैं, मतलब ये ट्रैफिक सिग्नल ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ लगे हुए, चलने वाले के बच्चे यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाना भी सीख लेंगे आराम से, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, तो किसी ने पूछा था कि भाई फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और यहाँ पे क्या सपोर्ट मिल सकती है या क्या बेनिफिट्स होते हैं आने के। तो यार एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जाहिर बात है एक अच्छी इकॉनमी है, एक अच्छी कंट्री है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्री है, सही है। बट कुछ चीज़ें हैं, देखें यहाँ पे ऐसा भी है कि थोड़ा सा रहना भी मुश्किल लगता है शायद लोगों को, बट यहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट है फिनलैंड जो है, तो वो बच्चों को भी सपोर्ट करती है, आपको बच्चों के मंथली पैसे मिलते हैं, एक अमाउंट होती है, ठीक है, माँ को बच्चे संभालने के पैसे मिलते हैं, तो ये पूरी एक उसकी वो हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं फिनलैंड के। तो जाहिर ही बात है यार एक डेवलप कंट्री है और बेनिफिट होते हैं यहाँ के इन जगहों के, यूरोपियन कंट्रीज़ के तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, तो ये बेनिफिट्स होते हैं यार फिनलैंड के। बाकी ये एडमिशन वगैरह का कोई इशू नहीं है, आप आते हैं आप देख लें बच्चों के उसके हिसाब से, आप जब भी जाएंगे तो वो एडमिशन हो जाते हैं थोड़ी देर में, ज़्यादा से ज़्यादा महीना डेढ़ महीना ले लेते होंगे वो, तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं कि बच्चों के एडमिशन कब होते हैं या नहीं होते। बाकी बेनिफिट्स आप लोगों के पास यही है यार, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री होता है, बच्चों को सपोर्ट मिलती है, ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, अगर आप एक वक्त तक नहीं कमाते तो हुकूमत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो इस तरह के बेनिफिट्स तो हैं जाहिर बात है जी। तो ये है हमारा तुर्कू का सिटी सेंटर, और किसी भाई ने एक सवाल मुझसे पूछा कि अगर लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाए तो चेंज हो जाता है क्या, तो नहीं भाई, लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाए तो चेंज नहीं होता है बिल्कुल। और कितनी खूबसूरत वो जगह है ये यार उसामा भाई, यहाँ पर तो एक तस्वीर बनती है यार। अबे हम फिनलैंड में रहते, घूमने तो आए नहीं बनवा देंगे, हम तुर्कू बार बार थोड़ी आएंगे यार, तुर्कू आएंगे भाई, तुर्कू आना है। ओहो, झील चेक करें आप, झील है ये, पूरी सिटी सेंटर के मेन में बीच में ये झील बनी हुई है, और खूबसूरत खूबसूरत, और ये देखिए बहुत प्यार है। मेरे हाथ में मटका है कोई, असला तो नहीं, अगर आपको धक्का दे दूं तो कोई मसला तो नहीं, मालिक बहुत मसला है। अच्छा, ये हमारी इफ्तारी आ गई है, क्योंकि हमने आज इफ्तारी की नहीं थी और पानी करके रोज़ा खोला और ये इफ्तारी आ गई। एक एक चीज़ और रह गई हमारी बस, अभी आने दो, खोलना नहीं। ये इफ्तारी आ गई, बहुत भूख लग रही है लवली, बहुत भूख लग रही है। हेलो जी, तो मैं वापस आ गया हूँ तुर्कू से, और बहुत मज़े का हमारा ट्रिप रहा। सारी पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए जिरगा की वीडियो को चेक करें, और ये थंबनेल भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जिरगा की वीडियो का, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी वो अपलोड नहीं होगी, कल होगी। तो खैर जिरगा की वीडियो पे जाके, आप जिरगा के चैनल के ऊपर जाके वीडियो देखें, हमारा तुर्कू का विजिट कैसा रहा। स्टार्ट करते हैं आपके सवालात के जवाब से। सबसे पहले हमारे एक भाई ने सवाल किया कि B1 लेवल फिनिश लैंग्वेज का उन्होंने कर लिया है और B2 की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरह की जॉब्स और उनके लिए मतलब मिल जाएंगी इस स्किल्स के साथ। यार फिनिश लैंग्वेज करने के बाद ना आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो नो मैटर कि आप किस फील्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं फिनिश लैंग्वेज करने के बाद। तो ये किसी स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, लैंग्वेज आप वहाँ पे बताएंगे कि आपको लैंग्वेज आती है ना, तो वो इंशाल्लाह वहाँ आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल जनरल बात है, हर फील्ड में आपको फिनिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आपके रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ किसी ने पूछा कि ये मैं शायद बता गया हूँ, लाइसेंस एक्सपायर हो तो चेंज हो जाता है, नहीं होता वो। नर्सिंग में बैचलर्स भी इजी नहीं है क्या, और आसिया आपी के आइल्स में क्या बैंड थे? नर्सिंग में बैचलर्स नॉर्मली यार मुश्किल है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स, ठीक है। और आसिया आपी ने जो है वो, आसिया आपी आपने आइल्स नहीं किया था ना? आसिया आपी ने आइल्स नहीं दिया था, क्योंकि आसिया आपी की जो यूनिवर्सिटी है वो सिनायोकी यूनिवर्सिटी है, और सिनायोकी यूनिवर्सिटी उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से है जो अभी भी एडमिशन विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं, लास्ट तक तो कर रही थी, अब आगे का मुझे नहीं पता कि वो करेंगी या नहीं करेंगी। तो उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, तो इस वजह से भी नहीं दिया। हाँ इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो खैर क्या इसको आती है ना, तुम लोग बाद में लड़ना मेरे व्लॉग के बाद।
यूरोप में जंग लगने वाली है यही भाई, किसने बोल दिया हमको लगने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई जंग वंग नहीं लगने वाली यूरोप में, यूरोप अभी बड़ा पीसफुल चल रहा है। वर्क परमिट आने के बाद कितने टाइम में फैमिली को बुला सकते हैं? वर्क परमिट आने के बाद ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आप फैमिली को बुला सकते हैं। अगर सिर्फ आप और आपकी बेगम है तो आप 1700 से 1800 यूरो भी अगर आप 1700 यूरो शो करते हैं, अगर 1700 यूरो की इनकम है तो आप अपनी बेगम को बुला सकते हैं, वही आपकी फैमिली होगी। अगर बच्चे हैं, एक बच्चा है तो तकरीबन इसको 2200-2300 यूरो तक लगा लें आप, सही है, पर मंथ की सैलरी। और अगर दो बच्चे हैं तो ये तकरीबन 2500-2600 यूरो तक के करीब चला जाता है। इसके ऊपर मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितनी इनकम पे आप फैमिली को बुला सकते हैं फिनलैंड में, बट फिलहाल ये है कि वर्क परमिट के ऊपर आप को आप एक इतनी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है फैमिली को बुलाना। स्पाउस वीज़ा फाइल करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या एप्लीकेंट का फाइलर होना ज़रूरी है? बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फाइलर होना ज़रूरी होता है एप्लीकेंट का। अगर आप जॉब वगैरह करते हुए आ रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस वगैरह डाला है सीवी में, तो जाहिर बात है आपको फाइलर होना भी ज़रूरी होता है। आपको अपना एफबीआर के सारे वो दिखाने शो करने होते हैं। पीजी डिप्लोमा एडमिशन मिल रहा है, बेनिफिट है कि नहीं? ये मैंने शायद दे दिया इसका जवाब, हाँ मैंने इसका जवाब दे दिया था। कदीर भाई काइंडली ये बता दें कि अगर मैं हुआस की स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहता हूँ तो मुझे कोई दूसरे लोग विजिट कर सकते हैं, उसमें मेल भी हो फीमेल भी हो? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे फीमेल बुलानी क्यों है तुमने भाई? फिनलैंड आके हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करना है, कोई मजाक कर रहे हैं, बट जो भी दिल चाहे यार किसी को भी, कोई भी आपसे मिलने आ सकता है, कोई भी कुछ करने आ सकता है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। कोई यहाँ पे कोई आप कि इंटरनल या पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर, आपके बराबर में भी जो रहता होगा ना उसको भी आपका नाम भी नहीं पता होगा। हमें हमारे बराबर में जो रहता है हमें उसका नाम भी नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता उस घर में कितने लोग रहते। तो यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, और इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कोई अपार्टमेंट शेयर करते हैं, जैसे मैं और ताला शेयर करते हैं अपार्टमेंट, और मेरे घर पर कुछ ऐसे तरह के लोग आ रहे हैं जो ज़ाहिर बात है जो जैसे अभी तो नहीं है, बट ताला हमारा तो जानने वाला है, जान पहचान है, बट अगर कोई ऐसा है जिसको ताला और मैं नहीं जान, मतलब ताला और मेरी एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं है, या हम लोग यहीं आके समझे हमारा वो हुआ है, एक कैजुअल सी रिलेशनशिप है हमारा, तो मेरे जाहिरी बात है अगर घर में बहुत सारे मेहमान या लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो वो तला को डिस्टर्ब करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये तला के मिलने आ रहे हैं तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी हुआस की तरफ से इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिनलैंड में किड्स के एजुकेशन का सिस्टम क्या है? ये मैं बता चुका हूँ कि फिनलैंड में किड्स की एजुकेशन फ्री है, तो उसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं होती। ये तला था तुम्हारे लिए सवाल है। यूनिवर्सिटी लुत में डेटा सेंट्रिक इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, ऑफर लेटर आ गया है, 7500 यूरो की फीस है। क्या इस प्रोग्राम का स्कोप वगैरह है? और प्रीवियस डिग्री उनकी बीएस मैथ्स थी, तो प्लीज़ आस्क तला, तला बताएगा, इंजीनियर को जवाब देगा। अच्छा, डेटा सेंट्रिक इंजीनियरिंग, अब मुझे पता नहीं है कि इसका वो आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, पर अगर ये डेटा साइंस से रिलेटेड है तो हाँ, डेटा साइंस का यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है, यहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह है, हर जगह ही है। और देखिए फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो अभी न्यूली ओपन हो रही है, मतलब वहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं ऐसी फील्ड्स के, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में तो होगी। दूसरा, यहाँ का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप अपनी, हालांकि डिग्रीज मतलब थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं, पर ये आपको करिकुलम पूरा डिज़ाइन करके नहीं देते, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से लेते हैं और कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे अब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पर मैं कंप्यूटर साइंस के एआई या डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूँ, तो आप कुछ सब्जेक्ट्स एआई से रिलेटेड और डेटा साइंस वगैरह के सब्जेक्ट उठा के ये चीज़ें पढ़ें और इनका अच्छा खासा स्कोप है। ओके, तो भाई आज के मेरे सवाल यहीं थे, ख़त्म हो गए हैं, और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वो फिर हमारा तुर्कू का विजिट भी था उसके अंदर। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कल एक और अच्छे वीडियो में, कुछ अच्छे सवालात के साथ इंशाल्लाह, मज़ीद आपकी उन सवालात के साथ जिनसे आपकी हेल्प हो। हमारा ये बाबा विर्द कर रहे हैं अभी कोई, और हम लोग चलते हैं। आज हमारी ताक रात है शुरू हो गई हैं। आज 21वीं की शब है, मतलब 21वां रोज़े की शब है हमारी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल किसी और वीडियो में। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। हम लोगों की मुश्किलात आसान हो, आप लोगों की भी मुश्किलात आसान हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप लोगों की इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।